नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार विराट कोहली को लेकर लोग बाग क्यों दुआएं कर रहे हैं, और वहीं पाकिस्तान जैसे देश से भी विराट कोहली के लिए दुआएं आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं आखिरकार क्या है पूरा माजरा। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप लोग भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को जब से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से धमकी मिली है उस वक्त से ही पूरी दुनिया उनके लिए दुआ करती हुई नजर आ रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर आतंकवादियों के निशाने पर एक क्रिकेटर खिलाड़ी आया है। हम आपको बता दें कि यह आतंकवादी संगठन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के लश्करे तैयबा नाम का आतंकी संगठन है जिसने भारत के 12 व्यक्तियों के नाम देते हुए कहा है कि यह 12 इंसानी उसके निशाने पर है। वहीं हम आपको बता दें कि इसमें सबसे पहला नाम जो है वो प्रधानमंत्री, जी हां, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का है, और वहीं उनके बाद इस लिस्ट में नाम दूसरा जो है वो अमित शाह का आता है। लेकिन दोस्तों आखिरी नाम यानी कि 12वां नाम जो है वो विराट कोहली का है जिसे लेकर हर कोई चिंतित है। तो ऐसे में भारतीय क्रिकेट की शान विराट कोहली के लिए बीसीसीआई ने सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है, और सुरक्षा के साथ साथ सभी भारतवासी भी उनके साथ हैं और हमेशा ही उनकी हिफाजत के लिए आगे रहेंगे क्योंकि विराट कोहली भारत की शान है। तो हम आपको बताएं कि जब इस खबर का पता चला कि आतंकियों ने 12 लिस्ट में विराट कोहली का नाम डाला है तो इस खबर को सुनने के बाद पूरे विश्व से उनके लिए प्रार्थना आनी शुरू हो गई और उनके लिए दुनिया के हर एक कोने से दुआ आ रही है, चाहे वह खुद आतंकवादी देश पाकिस्तान ही क्यों ना हो। उनके लिए दुआ पाकिस्तान से भी आ रही है जिसे देखकर भारत काफी खुश है। वहीं हम आप लोगों को बता दें कि पाकिस्तान में भी विराट कोहली को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, जिस वजह से एक क्रिकेट प्रेमी ने सोशल मीडिया द्वारा ये कहा है कि अल्लाह उन्हें बचाएगा क्योंकि उनके बिना क्रिकेट कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा, और ये प्यार है उनके लिए पाकिस्तान से। बाकी आप लोग यहाँ पे मैसेज को देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अब आपको क्या लगता है, क्या सचमुच ये जो 12 नाम लश्कर ए तैयबा ने जारी किए हैं ये क्या खुद लश्कर ए तैयबा ने जारी किए या फिर किसी ने ऐसे ही कुछ खेल रचा है। आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।